हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकित एंड आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने जो मेरी अपाचे RTR है, जो लोग भी स्टोरी इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं उनको पता है कि मेरे पास एक 2017 मॉडल की अपाचे है और मैं उसको करीब दो लाइक 20,000 से 22,000 किलोमीटर के बीच में लगभग चल चुकी है मेरी। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या चेंज कराया और उसकी कितनी कितनी मेरी कॉस्टिंग पड़ी, मतलब पेट्रोल हटा के जो जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ी बाइक की, आज मैं वो बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल ऑनेस्ट रहेगा, कोई पेड नहीं है, कुछ नहीं है। बिकॉज मेरी पहली वीडियो है तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी इन फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं पहले। सबसे पहले मैंने इस बाइक में जो चेंज कराया है वो टायर। 20,000 में मुझे लगता कोई टायर चलेगा इतना। मैंने आगे का और पीछे का दोनों का टायर चेंज कराया है। अगर हम आगे से बात करना तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहले जो टायर आया था वो TVS का टायर था, आगे भी और पीछे भी, बट मैंने आगे जो टायर लगाया है वो सीएट का जूम लगवाया है, जिसकी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट जो आगे का टायर है मैं दिखा देता हूँ, वो है 90x90x17। पहले भी 90x17 का ही आया था। ये सीएट का टायर है और ये थोड़ा देखने में उस टायर से थोड़ा देखने में मोटा लगता है और इसकी ग्रिपिंग जो है उस टायर से लगभग ही है, 19-20 का फ़र्क है। उसके बाद मैंने चेंज कराया है इसका एक इंडिकेटर। ये तो मेरा ही फॉल्ट था, शायद पानी चला गया था, क्या हुआ था उसकी वजह से ख़राब हो गई थी। अब यहाँ पे एक और देखने में आया है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म, 1-2 साल हो गए हैं बाइक को, तो यहाँ पे ये जो मेरा मीटर इंडिकेटर है ये इसमें शॉर्ट कर गया था। और मुझे जितने भी फ्रेंड मेरे ओन करते हैं, 1-2 फ्रेंड मीटर वाला इशू, मेरे दो दोस्त और हैं उनके पास भी अपाची ही है, उनके भी मेरा जैसे इशू आया है वो इंडिकेटर का आया है और एक फ्यूल टैंक का आया है जो इंडिकेशन जो गलत कर देता है। बट दो दोस्त और हैं उनमें भी सेम इशू आया है, एक फ्यूल टैंक का आया है और दूसरा जो है शायद LED इंडिकेटर का, जो उसका मेन जो कंसोल में होता है जो ब्लिंक करती है LED, तो आपका वो जो है उसका वो भी ख़राब हो गया है। तो मीटर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही हैं 1-2 साल बाद। और एक दो बार इसकी क्लच वायर चेंज करेगी है, जो ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर पे चेंज, मतलब कुछ हो ही जाता है, या तो क्लच वायर टूट जाती है तो नीचे से लूज़ हो जाती है, टाइट नहीं होती है। ये इसमें कंप्लेंट्स आई हैं जो कि हर ऑलमोस्ट बाइक में मिनिमम लगता है इतना आएगी आएगी। और ये 10,000 पे इसका चेंज कराना पड़ ही जाता, मतलब मांग ही लेती है। और एक और यहाँ पर अगर देखा जाए टैंक साइड में है तो मेन में तो कंप्लेन ऐसी नहीं आई है, बट काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि इसके अंदर से पानी चला जाता है, फिर हमें पानी से निकालना पड़ता है। बट अभी तक ऐसा कुछ इशू मुझे फेस नहीं हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए तो मैंने यहाँ नीचे फ्यूल पाइप चेंज करवाई है इसकी यहाँ से, और इसका क्लच प्लेट 2 बार चेंज हो चुकी है। डोंट नो व्हाई इतना जाम यहाँ नहीं लगता है, फिर भी इसी क्लच प्लेट बैठ जाती है बार बार। थर्ड टाइम है, मतलब 22,000 समथिंग चला चुका हूँ मैं, और ये तीसरी बार जो होगा मेरी क्लच प्लेट चेंज करानी पड़ेगी उनको दोबारा से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और जो आई है कम चेंज करने की, जो आ गया है 22,000 पे ही, वो उसका चेन स्पोकेट है और पूरी चेन ख़त्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये 2,500 किलोमीटर और चला पाऊँगा मैं, उसके बाद मुझे इसकी चेंज कराने की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक और ड्रॉबैक इस बाइक का ये है कि गिरते ही इसकी चेसी टेढ़ी हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम जब थी ये मेरे साथ चेसी मैंने टेढ़ी, इसकी चेसी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने ठीक से करोल बाग, दिल्ली में करोल बाग है वहाँ से मैंने इसकी चेसी ठीक कराई है। इसमें जो पीछे टायर है वो पहले जो था वो शायद 130 था, अब जो चेंज कराया है मैंने वो सीएट का दोबारा से लगवाया है, बट ये जो है ये 140 सेक्शन का है। ये देखिए 140 17 का लगवाया है। बाकी और कुछ ऐसा मेजर इशू मुझे नहीं देखने में मिला है, बाकी बाइक बहुत सही है, एकदम 90 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आप चला सकते हैं 1-2 घंटे। मैंने एक दिन में 700-800 किलोमीटर बाइक से चलाया है, एवरेज भी अच्छा दे देती है। 90 मिनट आने के बाद भी आपको लगता है कि अगर ओवरटेक करना है आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू सच आया नहीं है मुझे अब तक, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इसमें। ओवरटेक सिक्स गियर होता तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट होता है बाइक का, जैसे कि इसके कंपटीटर में पल्सर में आता है 6 गियर, तो उससे ये बात थोड़ा लगता है कि वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई। अगर उससे ये कंपनियाँ करती थी तो शायद वो वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये पहली वीडियो है और ये वीडियो इस तरह की रहेंगी डेली अपडेट्स के लिए, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल मैं नीचे आपको बता दूँगा इस यूज़र नेम से है। और तब के लिए गुड बाय, अलविदा, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।